भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर ने पलटवार करते हुए दिया विवादित बयान। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल और उनके परिवार को लेकर दिया बड़ा बयान। सपा प्रत्याशी महाराज सिंह बोले, भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल ने सिर्फ चुनाव के लिए उनके बेटे पर झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। एसपी सिंह बघेल अपने गलेबान में झांक कर देखे कि उनके परिवार में कितनी जाति की औरतें हैं। पंजाबी वर्मा जातियों के नाम गिनाए। सपा प्रत्याशी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये अपने गिलेबान में खुद झांके कि ये खुद प्योर बघेल है या नहीं, इनके परिवार में कितनी बघेल औरतें हैं। मेरे लड़के को फंसाया इसलिए गया है कि मेरी छवि खराब हो सके। अब मैं उनसे ही ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतने सवाल मेरे ऊपर उठा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टूंडला विधानसभा के लिए ये झूठा मुकदमा लगा लगा के मेरे ऊपर सिर्फ टूंडला से, क्योंकि हमारी समाज का एक एमपी है आगरा का, उसका नाम है एसपी सिंह बघेल, वो ही ये सारे काम कर रहे हैं कि समाज के अंदर कोई नया नेता पैदा नहीं हो। इस वजह से मेरे बच्चे पर झूठा मुकदमा इन्हीं लोगों ने लगवाया और उसके बाद में सारी वीडियो चलवा रहे हैं। मगर टूंडला की जनता को मैं पहले से बता के चला हूँ, टूंडला की जनता को बताए कि ये झूठा फंसाया गया है जी लड़का।